नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं श्रीलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां गंगा प्राइम में पहली खबर है वाराणसी से। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में पकड़ने वाले हुकुलगंज में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक मासूम खेलते वक्त दलदल में जा फंसा, वहीं बच्चे के लापता होते ही घर में हड़कंप। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। ये देखिए वाराणसी की तस्वीरें हैं, एक बच्चा दलदल में फंस गया, गुस्सा लोगों का बढ़ता चला गया, जिसके बाद बच्चे को निकालने के लिए मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। बच्चे को दलदल से निकाल लिया गया है, बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो ये वाराणसी की हालत है, जहां बच्चा दलदल में फंस गया, इसे निकालने की मशक्कत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से दलदल के बीच फंसे बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखना होगा कि कब से फंसा था ये बच्चा दलदल में, कैसी हालत है। बहरहाल अस्पताल में है बच्चा, खेलते खेलते बच्चा दलदल में चला गया और निकालने की मशक्कत ये देखिए किस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने दलदल से खींचकर बच्चे को बाहर निकाला है। जैसे तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चा चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी नीतीश से, जो फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, इस बच्चे को जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दलदल में पूरी बॉडी इसकी भीगी नजर आ रही है, कैसी हालत है इसकी अभी? आपको बता दें कि अभी हालात कुछ कहे नहीं जा सकते, लेकिन जो प्राथमिक सूचना है कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर अस्पताल की तरफ लोग गए हैं। लेकिन ये घटना जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए खासतौर से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बच्चा एक खेलता हुआ बच्चा दलदल में गया और दलदल में जाने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उनका ये आरोप था कि दलदल पर कोई किसी प्रशासन की और दलदल से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके बाद से इस तरह की घटना हुई। लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जिन्होंने रेस्क्यू करके इस बच्चे को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि ये बच्चा बचा हुआ है। कुछ लोग ये चर्चाएं भी करते हुए नजर आए कि काश भी इसे कोई बचा ले या कोई बचा लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल की जो सूचना है वो बच्चे को नहीं बचाया जा सका है, बच्चे की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में प्रशासन को लेकर आक्रोश व्याप्त है और लोग प्रशासन के खिलाफ अपने आक्रोश को प्रकट भी कर रहे हैं। नीतीश जी, ये दलदल है कहाँ और ये बच्चे के जाने के बाद टीम कब आती है, लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की, कैसे ये घटनाक्रम क्या है इसका? तो बता दें कि हुकुलगंज का क्षेत्र है ये, हुकुल बनारस कैंट थाना क्षेत्र का हुकुलगंज ये एरिया है, और ये जो दलदल है ये बरुड़ा नदी के किनारे पर कहीं हद तक पड़ता है जी। तो ये स्थिति थी कि जैसे ही बच्चा दलदल में फंसा, वहां तक जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि पीछे के हिस्से में कूड़ा भी है और कूड़े के साथ जैसे ही नीचे उतरते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा दलदल सा एरिया बना हुआ है जहाँ पर बच्चा फंसा है। पहुँचने के बाद बच्चा दलदल में फंस गया है और वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत कोई जुटा नहीं सका है। लोगों ने प्रशासन को भी यह सूचना दी। नीतीश, एक बात बताइए, जहाँ बड़े बड़े भी जाने से सोच रहे हैं, ये बच्चा वहाँ तक क्यों पहुँचा, क्या कहना है घर वालों का? आपको बता दें कि बच्चा देखते देखते ही वहाँ पहुँच गया, वो खेल रहा था, जैसा कि स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि वो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था और खेलते खेलते वो बच्चा उस दलदल के पास पहुँच गया, उस दलदल में जाकर फंस गया और देखते ही देखते दलदल में समा गया, और इसके बाद से जो चीजें हुई, राहत और बचाव कार्य किया गया जिसमें बच्चे को बाहर निकाला गया, और अब जो प्राथमिक सूचना है उसकी मौत हो गई। नीतीश, लेकिन ये बड़ा अफसोस है ये इस जानकारी में कि कोई बच्चा अकेला खेल रहा है, वो दलदल की तरफ चलते चला जाता है, और इसके बाद भी लोगों को ये बस इतना ही पता है कोई बचाने की भी, और कितने देर बाद ये टीम आती है पूरी? बता दें कि जैसे ही प्रशासन को सूचना दी जाती है उसके आधे घंटे के बाद वहाँ पे स्थानीय प्रशासन पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर बचाव की ऐसी कोई स्थिति समझ नहीं पाते हैं लोग, स्थानीय लोग इसको लेकर पूरा विरोध वहाँ पे शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब प्रशासन का कोई वहाँ पे
हादसा नहीं चल सका है तो राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और एनडीआरएफ की टीम आकर वहां पर अपना रेस्क्यू। बिल्कुल नीतीश, आज के जमाने में जहां पे हम हर चीज हाई फाई और स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, दलदल में फंसकर किसी बच्चे की मौत भी हो सकती है। ये भी एक खबर है जो काशी बनारस से ही आती है, जो बेहद दर्दनाक है कि इस बच्चे की मौत हो चुकी है। नीतीश आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली में एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ से कुछ लोग एक परिवार की पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये दबंग है जो एक परिवार पर एडीजी से की गई एक शिकायत के बाद इस कदर खफा हुए कि सरेआम उनकी पिटाई करते हैं। इस मामले में पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में। कोतवाल के ऊपर आरोप ये है कि दबंगों की मदद कर रहा है, लेकिन सोचिए लोगों को जरा भी डर नहीं है कि किसी ने शिकायत कर दी तो अपनी रसूख दिखाने के लिए, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि ये परिवार दबंग है और ये रास्ता अख्तियार किया जाता है। फरुखाबाद की तस्वीरें हैं, देखिए। अगली खबर मेरठ से है, हैरान करने वाली खबर है ये। यहाँ अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस कर्मियों की व्यापारियों के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद व्यापारियों के समर्थन में व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता पहुंच गए और थाने पर जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, व्यापारी नेता ने पुलिस कर्मी को उनकी वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद थाने में मौजूद दरोगा ने अपनी वर्दी को खुद ही उतारने की बात कहते हुए वर्दी उतारने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक दोनों के बीच ऐसी तूतू मैं चलती रही और आखिर में दरोगा ने माफी मांग ली और किसी तरह से विवाद सुलझ पाया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा की। A66 सेक्टर 10 की कंपनी में आग लगी और दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ सामान जरूर जलकर खाक हुआ है। सेक्टर 10 में एक कंपनी जिसके भीतर आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमकल की दो गाड़ियां मौजूद रही तब जाकर इस आग पर बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने की वजह से वो ओवरलोडिंग बताई जा रही है। इस अग्निकांड में एक शख्स भी झुलस गया। ये देखिए चौराहे पर लगा ये ट्रांसफार्मर, जिस पर आग की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रख रखाव और ध्यान देने की भी बात है, लेकिन त्योहारों के इस मौके पर बाजारों की भीड़ चहल पहल हम सभी जानते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के जलने की तस्वीर बुलंदशहर से। बात औरैया की। यहाँ के बिधुना में रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के मंच पर म्यूजिकल नाइट शो का आयोजन किया। आपको बताएं ये म्यूजिकल नाइट शो
रामलीला की आड़ में दिखाया जा रहा था और उसके बाद यहाँ की भीड़ बेकाबू है। ये लोग आए थे रामलीला देखने लेकिन वापस लौटे लाठियां खाकर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बनी झुग्गियों के सिलेंडर में आग लगने से फटने के बाद भयंकर मंजर देखने को मिला। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, दमकल की कर्मचारी आग बुझाने की कोशिशों में लग गए लेकिन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई झुग्गियां चपेट में आती चली गई। सिलेंडर कई फट गए। अरे यार भैया ऐसे भैया ऐसे बंद करा, नहीं मैं आगे बढ़ रही यार। रायबरेली में पटाखे की एक अवैध फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध पटाखे की फैक्ट्री में काम करते थे। जैसे ही घटना की सूचना मिली जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, घायलों के इलाज के साथ साथ मामले की जाँच के भी आदेश दे दिए। भदोखर थाना क्षेत्र के मनेहरू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल आदमी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से अपनी महंगी गाड़ी का इंश्योरेंस वसूलने के चक्कर में, और इस शख्स ने अपनी मर्सिडीज को पहले तो किसी को बेची फिर पुलिस को गाड़ी लूटे जाने की शिकायत दे दी। इस मामले में जब छानबीन हुई तो पुलिस ने इस शख्स और गाड़ी के को 2 नंबर में बेचने की मदद करने वाले ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी को प्लान था सर, कई बार ये कहे थे कहने के बाद यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी जिलों के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कर दी है। धनतेरस के मौके पर उन्होंने बेटियों के लिए 1200 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की है। इससे हर जिले में करीब 500 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। महिला कल्याण विभाग की ओर से लोक भवन में आयोजित समारोह में सीएम ने योजना और पोर्टल को लॉन्च किया। कुछ लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि भी भेजी गई और सीएम लाभार्थियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर ग्रेजुएट होने तक सरकार प्रोत्साहन के तौर पर 6 चरणों में कुल 15,000 रुपए की राशि देगी। प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने का निश्चय किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज आदरणीय राज्यपाल महोदय के सानिध्य में प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज लागू हो रही है। आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। आज के दिन पर हम लोग ऐश्वर्य, धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के पूजन के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। खास तौर पर यह दिवस धन और ऐश्वर्य कब आएगा? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी के पूजन के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं।
तो ये सुमंगला योजना की बात कर लें हम, तो लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसका शुभारंभ हुआ। आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में भी योजना के शुभारंभ के लिए भव्य आयोजन किया गया। इस योजना के शुभारंभ के लिए सांसद राजकुमार, सांसद एसपी सिंह बघेल, विधायक राम प्रताप सिंह, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और राजमंत्री चौधरी उदयभान समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 4000 पात्रों का रजिस्ट्रेशन अंतिम प्रक्रिया में है। करीब 1500 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आज समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 500 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। और मैं यहां कहूंगा कि अब बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में तो बेटियों की पढ़ाई में मददगार बनने वाली सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी कन्या सुमंगला योजना आज संगम नगरी प्रयागराज में भी औपचारिक तौर पर शुरू की गई। प्रयागराज में इससे जुड़ने के लिए 14,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शुभारंभ के मौके पर आज पहले ही दिन 200 से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। प्रयागराज में हुए शुभारंभ समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी और कई लोग मौजूद रहे। बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने यूपी उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीएसपी मुखिया मायावती द्वारा की दी गई प्रतिक्रियाओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका और मायावती दोनों ही उपचुनावों में मिली हार को पचा नहीं पा रही हैं और इसीलिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। रीता जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं को बीजेपी की लोकप्रियता से चिढ़ने के बजाय अपनी करारी हार की वजहों पर मंथन करना चाहिए। अगर जो सीटें बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव होता है, अब अगर जनता वोट देना चाहती है तो मायावती जी को तो छोड़ दीजिए, उनका तो सफाया करीब करीब इस चुनाव में हो गया है, बड़े मुश्किल से इनका तो ख़त्म ही हो रहा है इतिहास। और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जो जनता में लोकप्रियता है उससे चिढ़ने के बजाय इन पार्टियों को अंतरावलोकन करना चाहिए कि आखिर उन लोगों में क्या कमी है और क्यों नहीं जनता उनको स्वीकार कर रही है। तो इन बातों से कोई हमको चिंता नहीं क्योंकि हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि अयोध्या में कल होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल अयोध्या में लाखों दीपों की रोशनी से रोशन नज़ारे को हम देखेंगे। अयोध्या में राम की पौड़ी में लाखों दिए सजाए जा चुके हैं। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के हजारों बच्चे 5.5 लाख दियों को रोशन करेंगे। इस बार 5.5 लाख दिए जलाने की तैयारी है जो एक बार फिर विश्व कीर्तिमान होगा। रामचरितमानस का लेजर शो, 13 देशों की रामलीला, 5.5 लाख दीपों का कीर्तिमान और सतरंगी लाइट्स की बात करें तो इस बार दीपोत्सव का ये मुख्य आकर्षण होगा। इस बार राम की पौड़ी को भी नए तरीके से बनाया गया है। सरयू को साफ पानी दिया गया है और इससे राम की पौड़ी में लाने की तैयारी की गई है। किनारों को चौड़ा किया गया है जहां दीयों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ राम की पौड़ी ही नहीं बल्कि सरयू किनारे भी दीपोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। दूर दूर से लोग अयोध्या भी पहुँचने लगे हैं। इसके साथ ही कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि राज्य मेले का दर्जा भी दिया गया है इस पूरे कार्यक्रम को। बड़ी खबर मिल रही है, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले एलजी होंगे। तो आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले एलजी होंगे। यूनियन टेरिटरी में तब्दील होने के बाद ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले एलजी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद एलजी और उपराज्यपाल के नामों की घोषणा आज कर दी गई है।
गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल और राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले एलजी होंगे। तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद ये बड़ी अपडेट, जहां जम्मू कश्मीर में पहले उपराज्यपाल के तौर पर नाम सामने आया है गिरीश चंद्र मुर्मू का, राधा कृष्ण माथुर का नाम लद्दाख के पहले एलजी के तौर पर दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जहां यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने का फैसला बना लिया गया। तो चलिए हम ज्यादा जानकारी लेते हैं लद्दाख से। हमारे संवाददाता प्रशांत इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रशांत, पहले एलजी का नाम घोषित हो चुका है, क्या रिएक्शन होगा वहां के लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए 31 अक्टूबर से दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आने वाले हैं, लिहाजा सरकार की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। उस दिन से कैसे जो दोनों राज्यों में प्रशासनिक अमला है उसको कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नए राज्य होंगे, राज्यों का बंटवारा होगा वहाँ। इसलिए आप देखिएगा कि आज जो फैसला किया गया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं दोनों आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लंबा प्रशासन का अनुभव रहा है दोनों का। गिरीश चंद्र मुर्मू जिनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है वो अभी भी वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी, बड़े सक्षम बड़े एफिशिएंट माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो चूंकि गुजरात कैडर के हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के काफी करीबी माने जाते हैं। तो उन्हें अभी वो रिटायर्ड एक हफ्ते की बात करने वाले थे उसके पहले ही उनका नाम अनाउंस किया गया है। जिन जो लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं वो भी आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मोदी सरकार ये चाहती है कि जब दो नए केंद्र शासित प्रदेश आए अस्तित्व में जहां पर चुनौतियां काफी हैं तो प्रशासनिक अमले को चुस्त दुरुस्त करने के लिए दो प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर उपराज्यपाल बनाया जाए। और जो सत्यपाल मलिक अभी गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के उनको गोवा ट्रांसफर किया गया है, तो ये एक चौंकाने वाली खबर जरूर थी क्योंकि ऐसी अटकलें थी कि उनको यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा लेकिन उनको गोवा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार चाहती है कि वहां पर प्रशासनिक अमला जो है वो चुस्त दुरुस्त रहे, उसको ठीक किया जाए, पटरी पर लाया जाए। नए राज्य होंगे, चुनौतियां आतंकवाद से लेकर पिछड़ेपन की हर तरह की चुनौतियां हैं, लिहाजा दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को वहां उपराज्यपाल बनाया गया। उम्मीद है कि इस दीपावली पर ये खबर वहां के लोगों के लिए थोड़ी सुकून भरी हो कि अब चीजें फिर से ट्रैक पे आ रही है जैसा कि वो चाहते हैं। आपका शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।